हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग फ्रॉम हरिद्वार। वेलकम टू बैक माय न्यू ब्लॉग। तो गाइज, आज की वीडियो में हम जा रहे हैं सिडकुल हरिद्वार। और सिडकुल हरिद्वार में मैं बता दूँ, अभी जो है वैकेंसी का टाइम हो रहा है, जॉब का टाइम हो रहा है, क्योंकि 7 तारीख आने वाली है। और 7 तारीख के बाद जैसे ही लोगों को सैलरी मिलनी शुरू हो जाती है, उसके बाद यहाँ पर जॉब के लिए अप्लाई करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि 7 तारीख को सैलरी मिलते ही लोग अपने अपने कोई घरों के लिए निकल जाते हैं, कोई जॉब छोड़ देते हैं और कोई किसी कारणवश कहीं चला जाता है। तो उसकी वजह से यहाँ पर जॉब वैकेंसी आपको आराम से मिल सकती है। तो अगर आप हरिद्वार से बाहर कहीं से रिलेटेड करते हैं, तो अगर आप हरिद्वार में जॉब के लिए आना चाहते हो, तो सबसे पहले आप हरिद्वार रेलवे स्टेशन या बस से आना चाहते हो, तो भाई बस स्टैंड पे उतर सकते हो। बस आपको रेलवे स्टेशन से बाहर और बस स्टैंड से बाहर आते ही, जैसे ही आप मेन रोड पे पहुंचोगे, तो रोड पे ही आपको ऑटो ले लेना है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप यहां पर आ रहे हो, तो सबसे पहले गाइज आप अपना जो रहने की व्यवस्था है वो बना लें, ताकि आपको हो सकता है कि उसी दिन जॉब ना मिले। फिर जॉब नहीं मिलेगी तो यहाँ पर रूम जो होता है, वो रूम के जो मकान मालिक होते हैं, वो सबसे पहले आपसे एडवांस लेते हैं। तो इसलिए आपको पहले घर से पैसों की व्यवस्था करके आनी होगी, तभी आपके साथ यहाँ पर रहने के लिए आपको कुछ मिल सकता है। तो इसलिए आप पहले ही घर से पैसे लेके आएं, तब फिर जॉब के लिए सर्च करें। तो गाइज, अगर आप सिडकुल में आना चाहते हो, तो आप वहाँ से आके बस स्टैंड से आप तुरंत ऑटो ले सकते हैं सिडकुल के लिए। अगर आप महदूद में रहना चाहते हो, तो महदूद में आपको रूम अवेलेबल हो जाएंगे। इधर पे रोशनाबाद है, तो रोशनाबाद में जाके आप रूम ले सकते हो, वहाँ पर भी आपको रूम अवेलेबल मिल जाएंगे। तो आप मतलब किसी भी एरिया में चले जाओगे सिडकुल से बाहर में, तो आपको रूम अवेलेबल हो जाएगा। बाकी आप अपनी फैसिलिटी के हिसाब से आप रूम आपको मिल जाते हैं यहाँ पर। मतलब कहने का मतलब है, यहाँ पर रूम आपको मिल जाएंगे। रूम की टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, टेंशन लेनी है जॉब की। जॉब के लिए थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, वो भी रोड पे चल के, ठीक है। जैसे आप पहले दिन अपना सेटलमेंट कर लेते हो, दूसरे दिन आप सिडकुल के अंदर घूम सकते हो। मैं सबसे पहले आपको बेस्ट सजेशन दूंगा, अगर आप शुरू में अगर हरिद्वार आ रहे हो, तो बेस्ट सजेशन मेरा ये रहेगा आपके लिए कि आप हीरो मोटो कॉर्प ग्रुप, जहाँ से मैंने अभी एंट्री की रॉकमैन गेट के अंदर आके, आप वहाँ पर जॉब के लिए अप्लाई करें। मैं ये नहीं कह रहा कि रॉकमैन में करें, यहाँ पर बहुत सारी कंपनियाँ हैं, जैसे कि रॉकमैन, एजी, क्लासिक इंडस्ट्रीज, नपीनो ऑटो, सत्यम इंडस्ट्रीज, और यहाँ पर सामने मेरे CMR कंपनी, ये पूरा का पूरा हीरो मोटो ग्रुप का ग्रुप है, जहाँ पर कि आप आके जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। बट आप ध्यान रहे कि यहाँ 7 से और 11-12 तारीख तक ही वैकेंसी आपको अवेलेबल होगी, नहीं तो यहाँ पर 24 घंटे भीड़ रहती है वैकेंसी के लिए, जॉब के लिए। अगर कॉन्ट्रैक्टर का बंदा है, तो वो यहाँ पर आके मिल सकता है। अब जहाँ पर मैं अभी जा रहा हूँ, ये मेरी नपीनो ऑटो कंपनी है, मेरे जस्ट लेफ्ट साइड में, ठीक है। और इससे बाहर अगर आप फार्मा कंपनियों में जॉब करना चाहते हो, तो फार्मा में भी आपको जॉब मिल जाएगी, जैसे यहाँ पर एकम्स है, फार्मासेंट है, SBL कंपनी है, बहुत सारी यहाँ पर फार्मा कंपनी है। मतलब मैं बता नहीं सकता आपको कि अनलिमिटेड कंपनी, इनमें से मतलब जितना ये सिडकुल है ना, उसमें से तो सबसे ज़्यादा योगदान जो है वो फार्मा कंपनियों का है, सबसे ज़्यादा फार्मा कंपनी है यहाँ पर, ठीक है। तो आप यहाँ पर किसी भी कंपनी में जाके अप्लाई कर सकते हैं। टाइम मैं आपको बता दूँ, 7 से 9 बजे तक आप हर किसी कंपनी के गेट पे पहुँच जाएंगे, ठीक है। कई लोग पूछ रहे थे कि आप हमें कॉन्ट्रैक्टर का नंबर दे दो, तो कॉन्ट्रैक्टर का नंबर गाइस मैं आपको इसलिए नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर अपनी प्राइवेसी के चक्कर में नंबर नहीं देते हैं। बाकी वो कहते हैं कि अगर आपको जॉब करनी है, तो आप सीधा डायरेक्टली हमारे मेन गेट पे आ जाओ। तो यहाँ पर आपको अगर उस कंपनी में, जैसे हीरो कंपनी के मैं आपको बात करूँ, अगर हीरो कंपनी में जो कॉन्ट्रैक्टर काम करता होगा,
उसका ऐसा नहीं है कि वो हीरो में ही काम कर रहा होगा, उसके हर कंपनियों में भी कॉन्टैक्ट होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर होता हो तो उसके हर कंपनी में क्या होता है कि अपना कॉन्ट्रैक्टर चलते रहते हैं उसके, तो आप उससे बात कर सकते हो। अगर वो उसका कोई दूसरी कंपनी में है तो आप वहाँ आपको वहाँ पर वो लगा सकता है, बट आपको उसके लिए बात करनी पड़ेगी उसके साथ, कॉन्ट्रैक्टर के साथ, जिससे कि वो आपकी हेल्प कर सके। तो यहाँ से निकलते हैं आगे की तरफ। कुछ ये सारे के सारे जो ये देख रहे हैं आप, ये सारी फार्मा कंपनियाँ हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर भी हमने जॉब के लिए पूछा, बट वो कह रहे कि यहाँ पर जॉब नहीं है, ठीक है। ये विप्रो है हमारे जस्ट राइट साइड में, विप्रो यहाँ पर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बनाती है, साबुन तेल वगैरह पता नहीं कुछ ऐसे कम प्रोडक्ट बनाती है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ से बाहर निकलते हैं और यहाँ से आप सीधा चले जाओगे रिलैक्सो कंपनी की साइट, तो रिलैक्सो कंपनी में भी आपको जॉब मिल जाएगी। रिलैक्सो कंपनी का मेन लैंड मैं बता देता हूँ, आप यहाँ तो दीप गंगा आ जाइए या फिर उधर से दूसरी साइड से आप महिंद्रा एंड महिंद्रा के लिए चले जाइए, दोनों में से किसी भी एक रास्ते को चूज कर लिए कर लीजिएगा और उससे सीधा आप रिलैक्सो कंपनी में पहुंच जाएंगे। रिलैक्सो कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है जो कि यहाँ पर शूज का वर्क करती है, अगर किसी को इंटरेस्ट हो शूज वगैरह में तो आप वहाँ पर जाके कर सकते हैं। अब यहाँ से मेरे जस्ट लेफ्ट साइड में यहाँ पर दीप गंगा पड़ेगा आगे, जिस रोड पर मैं चल रहा हूँ, और यहीं पर आपको जो है ESI का भी ऑफिस मिलेगा। और अभी जिस पॉइंट पे मैं खड़ा हूँ गाइस, वो है लेबर चौक पॉइंट, यहाँ पर जाके आप अगर आप यहाँ पर जॉब करना चाहते हो किसी भी कंपनी में, यहाँ पर खड़े होकर यहाँ पर लोग देख सकते हो, बाकी कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पर कंपनी वाले कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पर आते हैं, जो भी उनको सर्विस के लिए लोग चाहिए होंगे वो उनको ले जाते हैं। यहाँ पर डेली बेस के लिए भी लोग आते हैं, अगर आप डेली बेस पर काम करना चाहते हो तो आप डेली बेस के लिए भी यहाँ पर आ सकते हो, जो कि आपको 300-350 रुपये काम के हिसाब से आपको डेली बेस पे पैसे मिल जाते हैं, ठीक है। इसके बाद ये एकम्स कंपनी है मेरी जस्ट लेफ्ट साइड पे, और जो हर सिडकुल का मेन पॉइंट है वो है दवा चौक। ये दवा चौक ऐसा पॉइंट है कि जो कि जिसको कि हर कोई जानता है, यहाँ से आप हीरो के लिए भी एंटर कर सकते हो। बाकी फार्मा कंपनी आपकी जस्ट लेफ्ट राइट साइड में, और इसके बाद आप लग्जर कंपनी जो कि पेन बनाती है यहाँ पर, उसके लिए भी जा सकते हो। अगर आप पेंटागन मॉल की तरफ से आते हो तो फ्रंट में आपको मिलेगी ITC कंपनी, तो आप ITC पे भी जा सकते हो। उधर से हिंदुस्तान यूनिलीवर है तो आप उसमें भी उसके लिए उस पर भी जा सकते हो। तो दोस्तों आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में जो बेल आइकन उसे भी जरूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।